हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में सागर कृषक न्यूज़ में। तो दोस्तों बता दें कि आपको लियो हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों बता दें कि लियो मूवी जो कि 19 अक्टूबर को रिलीज़ हुई ये थी, गदर 2 से भी ऊपर जा चुकी है, क्योंकि दोस्तों गदर 2 ने एक हफ्ते में 134 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि यहाँ पर इसके डे फोर में ही ये 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। तो दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि गदर 2 इसके चरणों की धूल बराबर बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों बात करें कि इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म यह बन चुकी है। महज 4 दिनों में ही फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ से भी ज़्यादा, बहुत सारे सिटी में यह मूवीज़ देखी जा चुकी है, बहुत सारी सिटी में अभी करंटली चल रही है। दोस्तों फिल्म की कमाई ओपनिंग डे से ही गदर 2 से ज़्यादा कमा रही है। फर्स्ट वीकेंड में लियो ने 181 करोड़ तक का कलेक्शन किया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 19 अक्टूबर को जो रिलीज़ हुई थी थलापति विजय की मूवी, ऑडियंस को खूब बहुत सारा प्यार इसको मिल रहा है। फिल्म ने साउथ में सबसे बड़ी ओपनिंग करते हुए कई रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग विजय की फेवरेट मूवी देखते होंगे, जैसे कि लियो, मार्शल, तो दोस्तों 19 अक्टूबर को रिलीज़ हुई साउथ एक्टर की मूवी विजय थालापति की मूवी फिल्म लियो को ऑडियंस से बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो दोस्तों फिल्म ने साउथ में सबसे बड़ी ओपनिंग करते हुए कई साउथ के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं, जैसे कि जवान शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसने खूब ज़्यादा कमाई की थी, तो उसी तरह लियो की कमाई भी ज़बरदस्त हो रही है। हालांकि पहले दिन के मुकाबले दूसरे और तीसरे दिन कलेक्शन में थोड़ी सी गिरावट रही है, फिर इसके बाद मीटर बिल्कुल ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म का रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन जारी है, जहां 3 दिन में फिल्म का कलेक्शन 139 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं चौथे दिन इसने धुआंधार बारिश की है, ये रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। दोस्तों जैसे कि सनी देओल की रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसी तरह विजय कुमार की रेटिंग भी अक्खा इंडस्ट्री में फैल चुकी है और सारी जगह विजय कुमार हो रहा है। दोस्तों मेरा नाम है दोस्तों आकाश और आप देख रहे हैं सागर का सब न्यूज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारी वीडियो को समय समय पर देखते रहना। तो दोस्तों पढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि 4 दिन में थालापति विजय की लियो का कलेक्शन मूवी कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों लियो ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले 3 दिनों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, अपने पहले 3 दिन में इसने 139 करोड़ रुपए की कमाई की है। यहाँ लियो का चौथे दिन बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे कि आप लोग को बता दूं, लियो ने अपने चौथे दिन सभी भाषाओं में, शुरुआती भाषाओं में पहले दिन 41 करोड़ की भारतीय कमाई की है। तमिलनाडु में फिल्म ने 28 करोड़ रुपए की कमाई की है और केरल में बात करें तो 10 करोड़ रुपए की कमाई की है और कर्नाटक में दोस्तों 5 करोड़ का टोटल बिजनेस किया है। इसी के साथ साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 182 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों बता दें कि लियो इस साल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जिस तरह बाहुबली का रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, बाहुबली सबसे नंबर 1 पर आ चुकी थी, इसी साल गदर 2 भी सबसे नंबर 1 पर थी, लेकिन गदर 2 का पारा इस लियो मूवी ने गिरा दिया है, जिसकी बिल्कुल भी किसी को उम्मीद नहीं होती। दोस्तों वही आजकल ट्रेंडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों लियो आप लोग को मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और महज 4 दिनों में इसने 200 करोड़ से भी ज़्यादा पार कर लिया है। दोस्तों सनी देओल बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि मेरी मूवी सबसे जो नंबर 1 पर थी
अब वो नंबर टू पर हो चुकी है। तो दोस्तों इस लिहाजे देखा जाए तो विजय